रवीश कुमार ने महंगाई और गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर एक बार फिर साधा पीएम मोदी पर निशाना। बोले, मोदी सरकार की सनक ने पूरा देश ठप कर दिया है, लेकिन भक्तों की आंखें अब भी नहीं खुल रही हैं, वो अब भी अपनी भक्ति में मगन है। आइए बताते हैं पूरी खबर। देश बुरी तरह से कोरोना संक्रमण की चपेट में है, लाखों लोगों की जान जा चुकी है। रोजाना बड़ी संख्या में लोग इस जानलेवा वायरस की चपेट में आकर अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। कई राज्यों ने इस संक्रमण से निपटने के लिए अपने यहाँ आंशिक लॉकडाउन लगाया है। इसके इतर महंगाई भी काफी बढ़ गई है, अर्थव्यवस्था रसातल में पहुंच चुकी है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने महंगाई और अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि पिछले साल कड़े निर्णय की सनक के कारण एक फैसला हुआ था, तालाबंदी, पूरा देश ठप। उसी का नतीजा था कि हमारी अर्थव्यवस्था बैठ गई। थोड़ी बहुत स्थिति संभली भी तो दूसरी लहर ने लंगड़ी मार कर धक्का दे दिया है। सरकार बोलती नहीं है, लेकिन उसका खजाना खाली है। आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। जो बिजनेस में है उन्हें सच्चाई मालूम है। इसी का नतीजा है कि 4 मई से लेकर अब तक 11वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। लोगों के पास पैसे नहीं है, वे दूसरी चीजों का उपभोग भी कम कर रहे हैं, तो उससे भी सरकार को कम टैक्स आ रहा होगा। नौकरी फिर जाने लगी है तो उससे भी टैक्स नहीं आ रहा होगा। थाली बजाकर और अस्पताल के बाहर सेना के बैंड से बैंड बजवाकर लोकप्रियता तो हासिल कर ली गई कि मोदी जी का इतना प्रभाव है कि एक आवाज में सावधान बोल दे तो देश सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाएगा। मूर्खों ने ये नहीं बताया कि इससे अर्थव्यवस्था विश्राम की मुद्रा में आ जाएगी। जो है आपके सामने है, महामारी के साथ साथ महंगाई भी महामारी बनती जा रही है। रवीश कुमार के इस पोस्ट पर कई तरह के कॉमेंट्स आ रहे हैं। हमजा चौहान ने लिखा, जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां कुछ भी संभव है। ये सभी सत्ता के मद में ऐसे चूर है कि इन्हें अपनी कुर्सी के आगे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। धन्य है केंद्र में बैठे मोदी जी सरकार, जो मात्र कागजी आंकड़ों में विश्वास करती है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कुलदीप राउत ने लिखा, ये देश इसी लायक है, नेता लोग कुर्सी पाने के लिए चुनावी रैलियां करते रहे, लेकिन जनता को तो समझना चाहिए था। जनता को समझ ही नहीं आया कि असली खेला तो उनके साथ खेला गया है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि देश और दुनिया की हर खबर आप तक पहुंच सके।